एचएफसीएल की देखो बात कर लेते हैं। एचएफसीएल जब भाई भागता था तब भी देखो मुझे अच्छा लगता था, अब ये गिर रहा है तब भी मुझे अच्छा लगता है। ऐसे देखो मेरा व्यू नहीं बदल जाता है, कोई स्टॉक गिर जाता है तो मैं अपना व्यू बदल दूं। और 5G टेक्नोलॉजी आएगी टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, ये काम करते हैं आपको पता है। और काफ़ी सारे आपको पता है जब 5G लगेगी तो जियो और ये जो भी है एयरटेल, ये टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो लगेंगे उन्हें खरीदेंगे किसे, एचएफसीएल से, क्योंकि चाइना से वैसे भी कम खरीदारी होगी, तो चाइना से तो खरीदारी होगी नहीं, तो ये प्रोवाइड कराएंगे एचएफसीएल। और एचएफसीएल ठीक है स्टॉक में, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत दिखती नहीं है। रिसेंटली भागा है, पीएलआई स्कीम का भी इनको फ़ायदा मिलता है जो गवर्नमेंट की है, तो रिसेंटली मुझे देखो मतलब भागा बहुत है स्टॉक, इसलिए मैंने कहा था आपको एक डिप लगाना है तो 70 रुपये के आसपास लगा सकते हो। तो अगर वहाँ पे आपने लगा ली थी 70 रुपये पे, तो 2-4 रुपये अगर नीचे है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है भाई। नीचे मैं एक और लेवल आपको बता रखा है, अगर 50 रुपये पर जाएगा तो बढ़िया है, वहाँ और ऐड करना क्वांटिटी, मतलब ऐसे नहीं घबरा गए 70 रुपये से नीचे चला गया अब क्या करूँ लॉस दिख रहा है, तो घबराने की क्या ज़रूरत है भाई, स्टॉक अच्छा है। ऐसा थोड़ी ना है कि स्टॉक ख़राब हो गया मतलब नीचे नहीं जाएगा क्या स्टॉक, स्टॉक ऐसा थोड़ी ना है कि भाई भागता ही रहेगा। जब भी मैंने बताया था जब ये स्टॉक भाग रहा था, मैंने कहा भाई देखो जब नीचे आएगा जब करेंगे इसमें वेट एंड वॉच, हम तो भाई भागते हुए मोमेंटम चेस करते नहीं हैं। भाई होने को तो हो सकता है मोमेंटम चेस में भी प्रॉफिट, पर भाई देखो अपनी जो रणनीति है अपना जो स्टाइल है वो अलग है। बाकी करते हैं कुछ लोग, चैनल्स वाले भी करते हैं मोमेंटम चेसिंग करते हैं, पर मैं तो करता नहीं हूँ प्रेफर, वहाँ होते हैं फंसने के चांस और मैं रिस्क फ्री काम करना पसंद करता हूँ। तो देखो बता दिया ऊपर की प्राइस फंसे हो तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपये का इंतजार है, नीचे जाएगा तो मैं ऐड करूँगा, बहुत खुश होऊंगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे जा रहा है तो मुझे दुख होगा, दुख तो बिल्कुल नहीं होगा। और ठीक है स्टॉक RSI 47 की है तो ओके ओके है, कोई ऐसे वीक भी नहीं है, एवरेज है ना कोई ज़्यादा स्ट्रांग है। और बाई सिग्नल काफ़ी पहले बना था तब से ही चल रहा है, कोई अभी भी नया सिग्नल बना नहीं है, तो हो सकता है कंसोलिडेशन हो। देखो कोई भी स्टॉक हो काफ़ी ज़्यादा भाग जाता है तो उसमें कंसोलिडेशन का फेस आता है, तो कंसोलिडेशन चल रहा है अच्छी बात है। तो जिसने नहीं खरीदा है एक डिप लगाने की सोच रहा है तो लगा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और 50 रुपये मैंने बता दिया, अगर रुकना चाहे तो 50 रुपये रुक सकता है, मे भी जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से ही अगर भाई भागेगा तो प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और क्या करना है, कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद दोस्तों।